आज हम आपको मिलवाएंगे अली असगर के एक नए अवतार से. वेलकम अली. हेलो. नया अवतार कह सकते हैं कि, लेकिन ये अवतार वो है जो फैंस आपको हमेशा पसंद करते आए हैं, बट सिर्फ एक कान बड़े दिख रहे हैं हमें. कान बड़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग है, एंड शो का सेटअप अलग है, फैमिली अलग है. फैमिली की जो ट्री है, सात बहनें हैं, एक भाई है, एक जीजा है, और मैं जिस फैमिली से हूँ, बहुत छोटी फैमिली है हमारी. उसमें ना मेरी सिस्टर नहीं है, मेरे ब्रदर नहीं है, तो ये जीजा साली वाला जो रिलेशन है, मैंने कभी महसूस नहीं किया, मैंने देखा नहीं. तो ये फर्स्ट टाइम मैं इससे गुजर रहा हूँ. तो जब हम शूट भी करते हैं, अभी दो ही एपिसोड हमने शूट किया है, तो जो जीजा और साली के बीच में जो नोकझोंक होती है, जो मस्ती है, वो बहुत मज़ा आता है. वो बहुत ऐसे इनोसेंटली बोलते हैं ना, नॉटी बिल्कुल लगते हैं. वो जीजा को पैम्पर करना, मूँगफली तोड़ के ऐसे मूँग ऐसे डालना, जीजा जी को चाय पिलाना, जीजा जी को पानी पिलाना, जीजा जी के पेपर, एक ही पेपर सात जन पढ़ रहे, वो सारी मस्ती, प्लस जो बाकी भी जो सेगमेंट्स है हमारे शो के, मल्टीपल एंट्रीज है, सो बहुत कुछ है. दादी और नानी बनके आपने खूब हंसाया लोगों को, तो अब साली बनके क्या कुछ उनको देखने को मिलेगा? सर, अब उम्मीद है कि जो किरदार पहले किए, हम उतना ही लोगों को हम एंटरटेन कर सके. हर बार हर एक्टर, हर शो जो है वो यही कोशिश करता है कि लोगों को एंटरटेन कर सके, हंसा सके, जो प्रॉमिस हम करते हैं वो फुलफिल कर सके. 19-20 हो जाता है कभी कभी, हम एक होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें में कमी हो जाती है, कभी कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं, कभी कुछ. सो ट्राई हम अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं, एंड हमें उम्मीद है. मतलब अभी जो दो एपिसोड का जो रिस्पांस, जितना भी जो फीडबैक हमें इंटरनली मिल रहा है, वी आर बहुत बहुत फिंगर्स क्रॉस्ड है अभी फिलहाल. इसमें आप चौथी घुराना की रोल में नज़र आएंगे या कोई एक मेल रोल भी प्ले करेंगे? जैसे मल्टीपल कैरेक्टर्स है, जैसे मैं आपको बताया, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स में अलग है. अभी जो सिम्बा के साथ भी हमने जो एक एपिसोड शूट किया, सिम्बा टीम के साथ, रोहित सर, रणवीर सर आए थे, सोनू सर, तो उसमें भी एक ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फीमेल कैरेक्टर करना मुझे याद. पर क्या है कि अब सर लोग पसंद करते हैं इस कैरेक्टर में देखने के लिए. जब भी कोई चैनल से ये आता है कि भाई नहीं, रिसर्च टीम हमें कहती है कि ऑडियंस इन्जॉय करते हैं, और ये नहीं है कि चैनल मुझे झूठ कह रहा है, बात कह रही है, लेकिन क्योंकि जब हम लाइव शोज़ वगैरह करने के लिए यहाँ वहाँ भी ट्रैवल करते, जब एयरपोर्ट वगैरह में लोगों से हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उनका भी जो रिस्पांस आता है, तो पता चलता है कि नहीं, पीपल इन्जॉय इट, एंड आई फील मैं अच्छा करता हूँ. हाँ, जब तक कोई और मेरे से अच्छा करे, तब तक तो मैं करता रहूँगा, फिर देखूँगा क्या करना है. कान बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं आपके, ये इसके बारे में बताइए, इसका क्या राज है? सर, ये है कि दरअसल चौथी जो है वो पढ़ाई की बड़ी चोर थी, तो वो बाबूजी जो है वो ये वाला कान पकड़ के मुझे स्कूल तक छोड़ते थे. क्लासरूम में टीचर्स को लगता था कि मैं मस्ती बहुत करी हूँ, तो ये वाला कान पकड़ के मुझे घर छोड़ देते थे. उस चक्कर में मेरे कान बहुत लंबे हो गए. और भी कुछ गुण है इस कान के जो आपको एपिसोड्स में पता चलेगा. कपिल इज ऑल्सो कमिंग बैक विद हिज शो, सो आप कॉम्पिटिशन महसूस करते हैं? नहीं सर, आप वी हैव वर्क टुगेदर, वी ऑल आर एक्टर्स, हम एक ही छोटे फ्रेटर्निटी के हैं, हमारे में क्या कॉम्पिटिशन. वेरी हैप्पी दैट इज कमिंग बैक, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम डेफिनेटली एम श्योर ही विल रॉक. शादी भी होने वाली है, जाने वाले हैं आप या क्या कुछ विषय? शादी के इस दौर में मैं चाइना में हूँ, वहाँ पर, तो बॉम्बे में जब जो रिसेप्शन वगैरह होगा, डेफिनेटली कपिल की शादी है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिड लाइफ. लास्टली अ मैसेज फॉर योर फैंस जो अब आपको इस चौथी खुराना के अंदाज़ में. हाय, मैं हूँ चौथी खुराना, एंड प्लीज़ आप हमारा शो देखिएगा, कानपुर वाले खुरानास. आप जानना चाहोगे कि मैं चौथी खुराना क्यों? दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि मेरी तीन बहनों के जन्म के बाद मेरी माता जी थक चुकी थी. नहीं, बच्चों को जन्म देने से नहीं, बच्चों को नाम रखने से. मेरी बड़ी बहन का नाम है चिड़िया, दूसरी का नाम है मैना, और तीसरे का नाम है बुलबुल. तो उसके बाद उन्होंने सोचा कहाँ
नाम के चक्कर में पढ़ूँ, उनका प्रोग्राम लंबा था ना तो वो नंबर्स रखने शुरू कर दिए, तो मैं चौथी फिर पाँचवीं फिर छठी फिर सातवीं फिर आठवीं, ओके आई एम वेरी एजुकेटेड ऑल्सो, मैं चौथी क्लास में करीबन 40 बार फेल हो चुकी हूँ। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं कि मैं मुझे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन क्या है ना जब आप रोज़ स्कूल जाओ, साल भर स्कूल जाते हो और एक दिन एग्ज़ाम के दिन आप नहीं जाते तो आपको फेल कर देते हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। एंड मैं वैसे भी पढ़ाई के लिए कहाँ जाती हूँ, मैं तो मिड डे मील्स के चक्कर में जाती हूँ, जब तक मिड डे मील्स मिल रहा है जब तक पढ़ाई करूँगी, उसके बाद बाल सफ़ेद करके वृद्ध पेंशन योजना में लग जाऊँगी।